नगर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश नीरस ने सघन जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी उमेश नीरस रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के मतदाताओं को विश्वास दिला रहे हैं कि वार्ड को आदर्श बनाएंगे। उमेश नीरस पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने वार्ड के लोगों की और नगर के लोगों की सेवा की है। अपनी सक्रिय कार्यप्रणाली के कारण मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे तामझाम के साथ चुनाव प्रचार प्रारंभ किया गया है। घर घर जाकर वार्ड के एक एक मतदाता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनका निराकरण करने के लिए दृढ़ संकल्प भी जता रहे हैं। युवाओं, मतदाताओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, मेरा उद्देश्य मात्र जनता की सेवा करने का है। कार्यालय का शुभारंभ तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने विजय कॉलोनी में मुख्य सड़क पर किया है। इस दौरान प्रचार में मौजूद रहे कांग्रेस प्रत्याशी उमेश नीरस के साथ जिनेश जैन, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के डी आजाद, कीर्ति राज लुणावत, सतीश सैनी, अनुपम किमोले, सतीश रजक, विनोद सराठे, कमलेश सैन, सूरज मुकेश नीरस सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उमेश जी, आप पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस में आपको रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस का टिकट दिया, पार्षद का टिकट दिया, और अगर आप जा रहे हैं कौन सी समस्याएं निकल कर आ रही हैं? अब वार्ड में अगर जाए तो छोटी मोटी समस्याएं वार्ड की आती ही हैं, जिसमें सरकार की कुछ योजनाएं जो सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही हैं, लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। सरकार जो भी नई योजना ला रही है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उसी उद्देश्य से सेवा के साथ हम इस क्षेत्र में आए, क्योंकि हम पहले भी रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल सेवा है, हम सेवा के देता नहीं है, हम पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर हैं। अब जो भी समस्या आएंगी उनको हम बहुत सहजता से निपटाने की कोशिश करेंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं इस बार से, तो ऐसी कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसे कौन से काम है जो पूरा करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं जो अधूरे निर्माण कार्य हैं शहर के उनको पूरा करूंगा। अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कार्य हैं उनको पूरा करूंगा। नगर को स्वच्छ बनाने की कोशिश करूंगा। जगह जगह एक चीज़ कमी है हमारे शहर में, वो है सड़क शौचालय वगैरह। उसको मतलब सभी नगर में जहाँ जहाँ बनना चाहिए जितने के स्थानों पर उसका निर्माण कराया जाएगा। शहर सौंदर्यीकरण के अंतर्गत शहर के अंदर अच्छी 2 या 3 मॉडल रोड बनाई जाएंगी, और जो भी शहर के लिए विकास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उनको हम उपलब्ध कराएंगे, और शहर में विकास के नए आयाम खोलेंगे, नई चीज़ों को लाएंगे, युवाओं के लिए नई नई चीज़ जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही है उनको उन तक पहुँचाएंगे। जो भी योजनाएँ हर घर में पहुँचाने की कोशिश करेंगे, पेंशन योजना है, बीपीएल कार्ड्स है, आवास योजना है, और सरकार द्वारा जो भी संचालित योजना है उन्हें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पित होंगे। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।